नमस्कार दोस्तों, आप सभी का त्रिवेणी टेक चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी कैरियर के लिए या अपने पार्ट टाइम जॉब या टाइम पास के लिए भी अपना खुद का ब्लॉग बनाना चाहते हैं और इंटरनेट में अपना कुछ पहचान छोड़ना चाहते हैं, इस परंतु इसकी कॉस्टिंग देखकर अपना इरादा बदल लेते हैं। तो आज हम आपको ऐसा एक गूगल का प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे जिसमें आप फ्री में अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल एक हम सब के लिए एक प्लेटफॉर्म लाया है जिसमें आप फ्री में ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि गूगल के जितने भी सर्विसेज हैं उनमें से एक आप यहाँ देख रहे हैं ब्लॉगर, जो एक गूगल का ही सर्विस है जिसमें आप फ्री में अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इसलिए मेरा डायरेक्ट अकाउंट ओपन हो गया है, पर आपका यहाँ तक नहीं आएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप डायरेक्ट गूगल में ब्लॉगर भी सर्च कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ब्लॉगर का फर्स्ट जो वेबसाइट है blogger.com, इसमें आपको इन करना है। ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इसलिए डायरेक्ट ओपन हो रहा है। जब आप पहली बार ओपन कीजिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको अपना ब्लॉग का टाइटल लिखना है। हम यहाँ पे फोटोज टाइटल रखते हैं। इसमें आपको अपना एड्रेस सिलेक्ट करना है। ये मेरा ब्लॉग हम फोटो से रिलेटेड क्रिएट करना चाहते हैं। हम इसका URL भी फोटो से रिलेटेड रखना चाहते हैं, तो हम सिंपली फोटो देखिए blogspot.com। आपको यह देख रहे हैं इसका एबिलिटी, यह पहले से ही कोई ले चुका है इसलिए यहाँ पे टिक मार्क नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो इसमें हम कुछ नंबर ऐड कर सकते हैं, इससे 35 फोटोज कोई ले चुका है 399। इसको चेक करते हैं, देखिए एबिलिटी है 399 photo.blogspot.com। इस नाम से ब्लॉग क्रिएट होगा। इसमें आप अपना कोई भी सा भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फोटो से रिलेटेड कोई थीम आपको अच्छा लगे, जैसे कि फोटो ये डायनेमिक व्यू। इस देखिए ब्लॉग क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप इस डोमेन को गूगल गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, तो ये नहीं करना है। इसके लिए आपको आगे कभी हम बताएंगे। नो थैंक्स कर देते हैं। ये ब्लॉग इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब आपको इसके लिए आपको ना अपनी ब्लॉग बनाने के लिए कोई कोडिंग की ज़रूरत है और ना ही किसी चीज़ की। अब आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए न्यू पोस्ट, आप यहाँ पे क्लिक करने से आपका एक न्यू पोस्ट ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पोस्ट लिख सकते हैं। अभी आपको इस नहीं बताऊंगा, अगले हम आपको अभी केवल इसमें क्या क्या है ये चीज़ हम देखिए स्टेट। इसमें जितने भी आपके ब्लॉग में व्यू आएंगे सब इसमें डिटेल में आपको दिखेगा ये पोस्ट का है, इस ट्रैफिक कहाँ से, ट्रैफिक सोर्स URL रेफर से है या साइट से रेफर से, सर्च कीवर्ड से है, ऑडियंस आपकी किस कंट्री से ऑडियंस मिल आ रहे हैं आपके पेज पे, ये सारे चीज़ इसमें दिखाता है। कमेंट आप में जित कहाँ से आया कमेंट, क्या है उसको स्पेम करना है, ये सब सारे चीज़ यहाँ देख। अर्निंग आप इस ब्लॉग को गूगल एडसेंस से ऐड कर सकते हैं। पेजेज, कुछ पेजेज बनाने पड़ते हैं जैसे अबाउट अस, ये सब इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेआउट, इसमें आप अपने ब्लॉग को देखें, लेआउट में आप अपने अनुसार अपने ब्लॉग को चेंज कर सकते हैं। उसके साइड में आपको क्या रखना है,
आगे क्या रखना है। ये सिंपल थीम है इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। और यहाँ है अगला उसमें थीम, आप जब चाहें अपने थीम को चेंज कर सकते हैं या फिर कहीं से दूसरा डाउनलोड करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे ब्लॉगर का ही अपना दिया हुआ थीम है, ऑफिशियल थीम, जिसको आप जब चाहें यूज कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे देखिए रिस्टोर और बैकअप, या फिर इस कोडिंग में डायरेक्ट चेंज करके भी आप अपने थीम को कभी भी चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये रहा आपका URL 399photos.blogspot.com। दोस्तों ब्लॉगर में आप जो भी अपना ब्लॉग क्रिएट करते हैं उसमें आपको अपना अपना URL प्लस डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ये आपको मिल रहेगा ही रहेगा। आपको ब्लॉग स्पॉट को हटाने के लिए अपना खुद का डोमेन बाय करना पड़ेगा, या बाय ए न्यू डोमेन, बाय ए डोमेन। गूगल आपको फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसके साथ भी आपको या कुछ क्रेडिट अपने पास या अप लेती है। गूगल आपको फ्री में ब्लॉग बनाने का सर्विस प्रोवाइड कर रही है, साथ में आपसे कुछ क्रेडिट भी ले रही है। इसमें देख रहे हैं ऑथर, या मेरा ईमेल आईडी, सब चीज़ इसमें है ऑलरेडी, मेरा पहले से था। इसमें पोस्ट कमेंट के साथ कमेंट में आप कुछ सेटिंग्स वगैरह दिया हुआ है। मेल इसमें भी आपका अपना खुद का है, देखिए लैंग्वेज आप किस फॉर्मेट में है, ये सब सारे चीज़ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। सर्च प्रिफ्रेंस में आप इसमें भी बहुत सारे हैं ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे दूसरी वीडियो में। आपको केवल इसमें आपको दिखा दे रहे हैं कि इस यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक एक का ऑप्शंस के बारे में अपना कुछ मीनिंग है, और ये सब सारे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप अपने प्रोफाइल को भी एडिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट में क्रिएट कर ले तो आपका वो बना ही रह जाएगा, आप सारे को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और पोस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।